ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है, ये दो टंकियों में बना के हर हफ्ते में इस टैग के लिए, मेरी सुबाजी में इस टैग के लिए हर हफ्ते में पानी में से देता हूँ। और ये जो सिस्टम देख रहे हैं आप, इसकी भी के लिए बना के रखा है। टीवी से मैं स्प्रे भी करता हूँ, ये जो है देसी गाय का सूखा हुआ गोबर होता है, उस वेस्ट कंपोजर में एक महीने तक भिगो के रखा था और ये मैं 5% यूज करता हूँ। ये जो दूसरे बैलर में जो है, ये है दशपत्ती काढ़ा, दसपर्णी अर्घ बोलते हैं मराठी में इसको, दस पत्ते का काढ़ा है मैं यूज करने के लिए तैयार करके रख लिया है। और इसमें जो है वो तो उसको मेहंदी के लेंडी मेहंदी के शीट वो इसमें डाल के इसको भी एक महीने तक भिगो के रखा है, ये भी मैं 5% यूज करता हूँ। और इसके सिवाय इस बैलर में जो है, ये जो है ये माइक्रो न्यूट्रेंट बना के रखा है मैंने, इसमें 6 प्रकार की तेल वर्गीय के बीज और 6 प्रकार के दाल वर्गीय के बीज डाल के मैंने इसको भी एक महीने तक वेस्ट कंपोजर में भिगो के रख दिया है। इसका भी स्प्रे मैं लेता हूँ, पानी में भी लेता हूँ, ड्रिप के द्वारा देता हूँ, मेरा पूरा ड्रिप इरिगेशन है। करोगा बंद? ये जो ताग है इसको मैं पहनना, आज 45वां दिन है, 45 दिन के बाद इसको मैं गाड़ रहा हूँ, वही काम चल रहा है, ट्रैक्टर से रोटावेटर मार के इसको गाड़ रहा हूँ। मेरा जो प्लानिंग है वो फ्रूट पे बेस्ड है, मैं ऑर्गेनिक फ्रूट्स तैयार करना चाहता हूँ। ये एक पेड़ है इस्तेमाल, इस पेड़ और उस पेड़ के बीच में 25 फीट का अंतर है और ये सर भी 25 फीट का अंतर है। 25x25 बार मैंने नारियल के पौधे लगा रखे हैं और इन दो नारियल के पेड़ के बीच में से मैं हाई डेंसिटी बाकी के फ्रूट्स का प्लांटेशन करने वाला हूँ। आज का यहाँ का टेम्परेचर है 32 डिग्री, अभी क्या 12 बजे, दोपहर के 12 बज रहे हैं और मार्च अप्रैल में का टेम्परेचर 38-40 तक था, आज का टेम्परेचर तो 32 डिग्री है, 31-32 डिग्री सेल्सियस है। और इसके अलावा जो मेरे पलंग के लाइन फोड़ के जो दोनों बाजू में 9-9 फीट का जगह बचता है, उसमें मैं घर के लिए जो भी चाहिए वो सब मैं ऑर्गेनिक तरीके से उगा के कंज्यूम करने वाला हूँ, उसे जो मेरा पूरा होके जो बचेगा उसको मैं बेचूँगा। धन्यवाद।